चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल की क्लास में पढ़ा था अबाउट द रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस इक्वेशन, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। कल मैंने वो तीनों वे बताए थे, फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस इक्वेशन, सेकंड वे एंड थर्ड वे। हर एक जो आपको तीन तरीके हैं डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का, अपना अलग अलग फायदा है। जैसे कि आपका अगर पहले वाले में डेल्टा दिख रहा है तो आप उसको ई माइनस वन से रिप्लेस कर दो, और ई माइनस वन से रिप्लेस करके फिर वाई एन को कॉमन लेके आप उसकी हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, जहां से आप कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करोगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। तो कल हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था, तो हमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन निकालना होता है तो हम क्या करते थे, उसको थर्ड वे में कन्वर्ट करते थे। तो हमने इंटरकनेक्शन में पढ़ लिया था कि कैसे एक वे से दूसरे वे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डिफरेंस इक्वेशन को, ठीक है। और हमने ऑर्डर भी पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, करेक्ट, ठीक है। तो हमने कल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था, हमने कल ऑर्डर पढ़ लिया था। ऑर्डर का बिल्कुल सिंपल तरीका, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय जो इंटरवेल आपको हमेशा बन लेके चल, ठीक है। अब बात करते हैं आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। तो ऊपर का जो रिप्रेजेंटेशन था ना, यही आपको हेल्प करेगा सॉल्यूशन को निकालने में। अच्छा, कंप्लीट सॉल्यूशन डिफरेंस इक्वेशन होता क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सी एफ आज हम निकालने में पूरा फोकस करेंगे सी एफ को निकालने में, और कल हम लोग करेंगे कि पी आई कैसे निकालते, आज हम पढ़ेंगे सी एफ कैसे निकालते। देखो दोनों का जो समेशन है वही आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अबाउट रूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ निकालने की बात करें तो यहाँ पे हम निकालेंगे रूट्स, और यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर की बात करने वाले हैं। आपके कोर्स में केवल सेकंड ऑर्डर है, आपको केवल सेकंड ऑर्डर की पढ़ना है सी एफ पी आई का। तो आज हम पहले सी एफ निकालने सीखेंगे, कल हम पी आई निकालना सीखेंगे, बट अभी सी एफ निकालने की बात है। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उस जब आप उसको डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, आपको दो रूट्स निकलते थे, सिमिलरली यहाँ पे आपको दो रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे आपके, पहले उन केसेस को देखो, फिर क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। पहले कंसेप्चुअल वाला पार्ट समझो, फिर किसी भी कंसेप्चुअल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चंस पे अटैक करो, बाबा कंसेप्ट पे अटक के रह जाओ, क्या कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। कंसेप्ट हमेशा इतना ही होता है, आपको 50% समझ में आ गया ना, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट देखो इन द क्वेश्चंस। तो अभी ये अगर समझ में आता है, 50% भी अगर समझ में आता है ना ये कंसेप्ट, तो मेरा काम हो जाएगा। उसको अप्लाई जब करेंगे क्वेश्चन के अंदर, आज 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, तो उसमें कुछ केसेस बनेंगे। सेकेंड ऑर्डर मतलब दो आपको रूट्स मिलने वाले। अब केस वन क्या होगा, फर्स्ट केसेस आपको जो दो रूट्स मिले हैं वो रूट्स आपके कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। पहला केस क्या बना है, आपके पास जो रूट्स मिले हैं वो है आपके रियल और एक है आपका अनइक्वल। लेट सपोज आपके दो रूट मिले हैं, दैट इज M1 एंड M2, दो रूट मिले, दोनों अनइक्वल है और दोनों रियल है। रियल का मतलब क्या है, जो भी इमेजिनरी पार्ट से हटके जो पार्ट, दैट इज रियल, जिसमें आई आ जाएगा दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो हम बात करें रूट्स हमारे रियल हैं और दोनों कैसे हैं, अनइक्वल, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इन दैट केस आपका सी एफ क्या बनेगा, आपका सी एफ बनेगा C1 M1 की पावर n प्लस C2 M2 की पावर n, ठीक है। तो आपका सी एफ ये आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई बाउंड्री कंडीशन दे रखी होगी तो आप सी वन सी टू वैल्यू निकालोगे, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी बाउंड्री वैल्यू नहीं दे रखी तो आप सी वन सी टू वैल्यू नहीं निकालोगे, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका केस वन समझ में आया, आपके रूट्स जो दो हैं वो रियल हैं और एक अनइक्वल है, तो आप उसको आपका उस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 M1 की पावर n प्लस C2 M2 की पावर n, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड केस, यहाँ से क्या बनेगा, आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं बट इक्वल, हो सकता है ना दो रूट्स सेम ही आ जाए बट इक्वल। लेट्स सपोज M1 और M1 दो रूट्स आ गए, दोनों इक्वल रूट्स हैं, दोनों रियल हैं, तो इन दैट केस आपका सी एफ क्या बनेगा, आपका सी एफ बनेगा सी एफ विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 M1 की पावर n। तो आपको ये देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा, बट आपको क्वेश्चन के अंदर साथ में कोई बाउंड्री कंडीशन अटैच होगी
तो मतलब क्या है, आपसे वो सी वन सी टू के लिए निकालना चाह रहा है, और जब तक आपको कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखी हो तो आपको यही आंसर होगा सी वन प्लस सी टू एन, और इनका बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एम वन की पावर एन से। ठीक है, ये तो दो बातें होगी, दो रूट है आपके रियल केस तो समझ में आ गए। रियल केस में क्या, आपके दो रूट निकले, दोनों अनइक्वल हैं, तो आपका क्या हो जाएगा सी एफ सी वन एम वन की पावर एन प्लस सी टू एम टू की पावर एन। अब सेकंड केस क्या बन रहा है, आपका रूट आपके रियल है बट इक्वल है, दोनों सेम ही निकला है, तो सपोज एम वन निकला है तो क्या होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू की पावर एन और एम वन की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, केस थर्ड, इफ योर रूट्स आर इमेजिनरी, देन इन दैट केस आप कैसे निकालोगे इसको, इमेजिनरी क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आपका बन रहा है, तो उस केस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, उस केस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा आर की पावर एन सी वन कॉस एन थीटा प्लस सी टू साइन एन थीटा। अब जहां पे आपको जो आर है, आर विल बी इक्वल टू राइट, आर विल बी इक्वल टू, तो आपको अल्फा बीटा निकला है, इसका क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां से आप आर वैल्यू निकालोगे, और आपका थीटा क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, यहाँ पे आर भी सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका इमेजिनरी बनेगा तो आपको ये केस होगा, तो आपको देखो तीनों केस कवर हो गए। सेकंड ऑर्डर में आपको सी एफ पी आई निकालता हमेशा, आपको डिफरेंस इक्वेशन होता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे भी हम सी एफ पी आई निकालते हैं, वहां से थोड़ा अलग हट के आइए, तो इसमें भी सी एफ पी आई निकाल रहे हैं, केस दो यहाँ पे भी तीन ही बनते हैं, वहां पे भी तीन ही बनते हैं, यहाँ पे तीन केस क्या बने, पहली बार फिर से सुन लो, आपका पहला केस बना आपके पास दो रूट्स निकलेंगे, दोनों रियल हैं, दोनों अनइक्वल है, सो इन दैट केस योर सी एफ विल बी इक्वल टू सी वन एम वन की पावर एन प्लस सी टू एम टू की पावर एन। सेकंड केस क्या बनता है, आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, मतलब आपका एम वन एम टू जो दो रूट्स थे दोनों इक्वल ही निकला है, तो आपका सी एफ क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू की पावर एन और एम वन की पावर एन। थर्ड केस क्या बना, आपके रूट्स इमेजिनरी निकला है, देन दैट केस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आर की पावर एन सी वन कॉस एन थीटा प्लस सी टू साइन एन थीटा। आर कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे कैसे निकालोगे थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, करेक्ट।